हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण और मैं आज आपके लिए फंक्शन का लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें फंक्शन की कुछ ट्रिक्स को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। इन क्वेश्चन को जैसे मेंस एडवांस में और एनडीए वाले एग्जाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फंक्शन आपका वन वन है या मेनी वन है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे चेक करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वन वन फंक्शन को ही दोस्तों इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों के लिए ट्रिक की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस को बताऊंगा कि ट्रिक को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। दोस्तों क्वेश्चन है कि फंक्शन वन वन या मेनी वन है, आप लोगों को चेक करना है। जियो फंक्शन आप लोगों का वन टू इन्फिनिटी आपकी डोमेन है, रेंज आर तक है, और जियो फैक्स जो फंक्शन है वो है आप लोगों के लिए ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों के लिए पहले ट्रिक को लेकर आता हूँ, ट्रिक से समझाता हूँ और फिर ट्रिक का अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों ट्रिक है मेरी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, वो बोलती है अगर आप लोगों के पास कोई फंक्शन है बाई जो एफ ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को चेक करने के लिए अगर वन वन या मेनी वन पूछ रहा है तो आप लोग उसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए। तो मैंने क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद दोस्तों आपको ये चेक करना है कि वो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या लेस देन जीरो आ रहा है, या समटाइम्स ग्रेटर देन जीरो या समटाइम्स लेस देन जीरो आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा कि एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये आप लोगों को मैं एपिसोड डेरिवेटिव में बताऊंगा। और अगर आप लोगों का एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब अगर आपका एफ डैश एक्स लगातार किसी भी इंटरवल में बढ़ रहा है या लगातार कम हो रहा है तो फंक्शन हो जाएगा वन वन। अदरवाइज इन दो कंडीशंस के अलावा कुछ भी हो, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो हो जाएगा आप लोगों का मेनी वन फंक्शन। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, e की पावर x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें डेरिवेटिव निकालूंगा। तो दोस्तों e की पावर x का डेरिवेटिव आप लोगों को सबको आता होगा, तो इसका डेरिवेटिव अगर आप लोग निकालोगे तो दोस्तों इसका डेरिवेटिव मैंने निकाला है e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। लेकिन ये फंक्शन पॉलीनोमियल फंक्शन है, इसका भी आप लोगों को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव अगर आप लोग निकालोगे तो 2x हो जाएगा माइनस 2, 1 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब दोस्तों इसको और आगे सॉल्व करोगे तो इसको यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो आप लोगों के पास एक्स माइनस 1 बचा और e की पावर एक्स का माइनस 2x प्लस 1 बचा। दोस्तों मैं ये चीज आप लोगों को बता देता हूं, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि e की पावर एक्स या e की पावर कुछ भी पॉलीनोमियल होता है दोस्तों वो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है। कैसा फंक्शन होता है दोस्तों, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ये चीज आप लोग ग्राफ से भी देख सकते हो। और यहां पर अगर आप लोग देखो इसकी डोमेन कहां से कहां तक थी, इसकी डोमेन है क्वेश्चन में गिवन है 1 से इन्फिनिटी। तो दोस्तों इसकी डोमेन गिवन है, ये गिवन आप लोगों की डोमेन 1 से इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी में दोस्तों 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 ये वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो 1 को तो इंक्लूड नहीं करना, 1 से ज्यादा वाली वैल्यू अगर आप कुछ भी लो 1.01 या 1, 2, 3 इन्फिनिटी कुछ भी लोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0। तो दोस्तों ये भी 0 ये भी 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, मतलब पूरा g डैश x फंक्शन आपका कैसा है, ग्रेटर देन 0। दोस्तों ये फॉर एवरी का सिंबल होता है, तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन 1 to infinity में ये फंक्शन g डैश x आपका कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0। अगर आप लोगों का ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली। अगर ये वैल्यू अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं बोल सकता हूं फंक्शन आपका कैसा है, 1 1 फंक्शन है। तो दोस्तों मैंने बोल दिया फंक्शन कैसा है, 1 1। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक घर के लिए दे रहा हूं जो आप लोगों को सॉल्व करना है, और कमेंट सेक्शन में लिखना है दोस्तों कि आप लोगों का ये फंक्शन 1 1 आया है मैंने बनाया। दोस्तों सॉल्व क्वेश्चन जरूर करना है। तो क्वेश्चन है आप लोगों के पास एफ ऑफ आपकी जो डोमेन है वो माइनस 1 to 1 है, आर रियल नंबर रेंज है इसकी। क्वेश्चन आप लोगों एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x आप लोगों को बताना है, चेक फंक्शन है 1 1 और मेनी 1। दोस्तों आप लोगों को ये बताना है फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है। दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की ट्रिकी वीडियोज आप लोगों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में लगातार लाता रहूंगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक जरूर करें और वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी एडवांटेज मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों को के लिए अगली वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाता हूं। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।